क्रोध और अहंकार पर कैसे काबू पाया जाए बताया महाराज जी ने। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोल की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्रोध। बताते हैं कि क्रोध अगर आता है किसी आदमी को सब कुछ नाश हो जाता है उसका, और अगर क्रोध पर काबू पा लिया तो संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उसके पास समाधान ना हो। तो यही मंत्र आज महाराज जी ने बताया है। चलो चलते हैं कैंची धाम, और कैंची धाम में महाराज जी विराजमान है। और कभी कभी होता क्या है कि जो प्रसाद वितरण की वहां व्यवस्था है तो महाराज जी कभी कहते जाओ पहले प्रसाद लो। एक पुराना भक्त, पुराना इसलिए कह रहा हूं कि वो बहुत बार आता है, आता जाता रहता है, और युवा इसलिए है कि उसकी उम्र है, आया है। जैसे ही उसने प्रणाम किया महाराज जी ने कहा जा पहले प्रसाद ले। प्रसाद लेके आता है, प्रसाद लेके बड़ा प्रफुल्लित मन से पुनः प्रणाम करता है और कहता है महाराज जी हमने अब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, हमको अब क्रोध नहीं आता। महाराज जी कहते हाँ ऐसा ही होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध सारे दुर्गुणों की खान है। क्रोध अगर आदमी को आता है तो सब कुछ सर्वनाश की तरफ बढ़ जाता है। क्रोध कभी मन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना? और लोग कहते नहीं नहीं महाराज जी नहीं करना चाहिए, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, बहुत बढ़िया। उसी समय महाराज जी एक दूसरे भक्त से कहते हैं तेरे घर कब चलूं? अब एक अलग से गाथा शुरू हो गई उसमें कि एक भक्त से बातचीत हो रही थी क्रोध पर, पूरा हो गया वृत्तांत, है ना। दूसरे भक्त से कहने लगे कब चलूं? वो खड़ा। अब कितना सौभाग्य का बिंदु है कि जहां पर लोग कहते थे महाराज जी आओ जाओ, वो भक्त से पूछ रहे हैं, भक्त हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि महाराज जी हमारे पापा जो हैं वे कब साधु संत को नहीं मानते, और हमें आप अगर आप हमारे घर आएंगे तो हमको इजाजत लेनी पड़ेगी अपने पिताजी से, तो पूछ ले इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा साहब हम बताएंगे आपको। वो भक्त अपने घर पे गया, घर से पूछा होगा, और एक दिन उसके घर जाने का प्रोग्राम बनता है। तो महाराज जी का वो युवा भक्त भी साथ में है, महाराज जी जिसके घर जा रहे हैं वो भी साथ में है। अब उसके पिताजी वास्तव में साधु संतों से कुछ ज्यादा लगाव नहीं रखते थे, लेकिन अगर बेटे की बात थी, बेटे ने कहा कि महाराज जी ने खुद कहा है तो नहीं चलो, नाम तो उनका बड़ा है, घर आएंगे ठीक है। महाराज जी उनके घर पहुंचते हैं और घर में एक व्यवस्था होती है बैठने की कि मेहमान कहाँ बैठेंगे और मेजबान कहाँ बैठेंगे। तो मेहमान तो महाराज जी हैं और मेजबान उनके पिताजी हैं उस समय, तो जो पिताजी की जो सीट उन्होंने अपने लिए डाली थी महाराज जी उसी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। ये भी आपको एक विशेष बिंदु है, इसमें एक रहस्य छिपा है। महाराज जी और कुर्सियों पर नहीं बैठते, उसी के पिता की कुर्सी पर बैठ जाते। तो अब वो कुछ कह नहीं पाते मन में, लेकिन लगता बुरा है, कोई बात नहीं। बातचीत चालू होती है वहां पर, चाय भगत चाय नाश्ता ये सब चल रहा है। उसी समय महाराज जी उसके पिताजी से कहते हैं तुम बहुत बड़े साधु हो। अब वो जब लगाव है नहीं, आत्मीयता है नहीं, तो इग्नोर कर देता है इस बात को। महाराज जी और चीज बातें होती हैं, इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं तुम बहुत बड़े संत हो। अब बताओ क्या मतलब जो है हम आप में लगाव नहीं रख रहे, जबरदस्ती कहते जा रहे हो। अब तिवारा ने महाराज जी ने एक बार कहा अरे भाई तुम तो बहुत बड़े साधु हो। अब उसका क्रोध आ गया, बोले तुम बाबा लोग बेवकूफ बनाते हो सबको, हैं? किसी के घर जाते हो, खाते हो, पीते हो, वहां के खर्चा का ध्यान नहीं रखते हो, तुम अपने ढोंग में ये आवा मंडल, मतलब जो आया सुख है।
अब जो जिसका बेटा भैया कुछ अपने पिताजी से कैसे कहे, लेकिन वो जो युवा भक्त था वो उठ के खड़ा हुआ, बोले क्या कहा तुमने, है ये भगवान के बराबर है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे घर में बैठे हैं। और जाते जाते उसने उसका कालर पकड़ लिया। महाराज जी ने कहा छोड़ कर, कालर छुटवाया। बोले ये बता, तू तो कह रहा था हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, ये क्या हो रहा है? कि महाराज जी अब आपका अपमान नहीं सह सकते। अरे मेरा अपमान हो रहा था, तुझे क्या मतलब था, तुझे क्रोध क्यों आया? तूने तो कह दिया था कि क्रोध हमने त्याग दिया है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। आप समझ गए होंगे कि जो लोग दावे कर देते हैं कि हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, क्रोध हमें आता नहीं है, गुस्सा नहीं आता है, और इसको अहंकार में बदल लेता है, तो दो दो कमी हो गई, क्रोध भी आ रहा अहंकार भी हो गया। तो उसका खुलासा करने के लिए महाराज जी ने कौन सी रचना रची? महाराज जी ने उन मेजबान से कहा, अरे भाई हमारा तो जैसा है तैसा है, चलो भाई आपको अच्छा नहीं लगता तो हम जा रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया कि अरे महाराज जी नहीं ऐसा, वो सब है चलता है, आप समझते हो समाज में सब लोग होते हैं। बहरहाल सब कुछ बातचीत करने के बाद उस व्यक्ति, इस युवा पुराने भक्त को यह समझाना कि क्रोध पर आपने विजय प्राप्त नहीं कर ली है, आपने अहंकार और पाल लिया है। क्या संदेश हुआ? उस दिन के बाद वो भक्त क्रोध वास्तव में करना भूल गया। कभी भी कैसी भी कंडीशन आई, उसने उसको सहा, सहनशीलता बढ़ाई और सहनशीलता बढ़ा के क्रोध पर उसने विजय वास्तव में प्राप्त कर ली। महाराज जी ने ये नहीं देखा कि हमारा मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, लेकिन उन्होंने उसको वो संदेश देने के लिए कि क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे अहंकार मुक्त हो, तो दो दो दुर्गुणों से उस भक्त को मुक्त कर दिया। तो ये तो मान के ही चलिएगा कि और लोगों ने भी शिक्षा ली होगी, है ना? तो कैसे पाए अहंकार और क्रोध पर मुक्त, क्योंकि क्रोध अगर आता है तो धैर्य खो जाता है, और धैर्य खो जाता है तो दुनिया में कुछ नहीं बन सकता। आप क्रोध पर निरंतर प्रयास करें कि क्रोध हमें ना आए, गुस्सा ना आए, धैर्य बढ़ेगा, सहनशीलता बढ़ेगी, तो आपके जीवन की सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत राज की बात बताई आज हमने, चल पड़े।